नमस्कार दोस्तों, आपका आपकी फूडी किचन में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए आलू लच्छा की नमकीन जो कि व्रत में खाई जाती है। ये काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियोज पसंद आती हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देर के बाद के चलो शुरू करते हैं आलू लच्छा की नमकीन की रेसिपी। नमकीन बनाने के लिए यहाँ मैंने दो कच्चे आलू लिए जिनको मैंने छीलकर पानी में डाल लिया है। अब हम कद्दूकस की सहायता से इनके लच्छे बनाएंगे। जो कद्दूकस है उसका जो सबसे बड़ा साइज होता है उसकी तरफ से हम लच्छे बनाएंगे, जिससे कि हमारे लच्छे बड़े और मोटे बने। लच्छे बनाते समय हम ध्यान रखें कि हम जब लच्छे बनाएं तो वह सीधे पानी में जाने चाहिए, जिससे कि उन्हें कालापन नहीं हो। अब हम उन्हें अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे। उन्हें हम तब तक धोएंगे जब तक उनका स्टार्च नहीं निकल जाता, यानी कि हमारा पानी है बिल्कुल साफ नहीं हो जाता। अब हम उन्हें एक सूती कपड़े पर फैलाकर सुखा लेंगे। हम उन्हें अच्छे से पोंछ पोंछ के सुखाएंगे, जिससे कि उनमें पानी नहीं रहे। हमें सिर्फ कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। जब हमारे लच्छे अच्छे से सूख जाएंगे तो हम उन्हें एक बर्तन में रख देंगे। अब हमें एक कढ़ाई या पैन लेंगे, जिसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है, क्योंकि हम व्रत का खाना बना रहे हैं इसलिए हमने देसी घी का ही प्रयोग किया है। अब हम इसमें आधी कटोरी मखाने डाल देंगे और उन्हें अच्छे से क्रंची होने तक भून लेंगे। जब ये हमारे अच्छे से क्रंची हो जाएंगे तो हम उन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1/4 कटोरी बादाम डालेंगे, उन्हें भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब हम कढ़ाई या पैन लेंगे जिसमें हम ऑयल डाल देंगे। हम ऑयल को चेक कर लेंगे कि हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम उसमें लच्छे डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें सारे लच्छे डाल देंगे। हम एक बार में उतने लच्छे डालें जितने हमारे उसमें आ सके। हम लच्छों को क्रिस्पी होने तक तलेंगे या जब तक उनका कलर चेंज नहीं हो जाता है। इसमें कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे या इनका कलर चेंज हो जाएगा, हम इन्हें टिश्यू पेपर में निकाल देंगे, जिससे कि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वह निकल जाए। हमें जब इन्हें निकालें तो गैस की फ्लेम मीडियम रख दें, नहीं तो हमारे जो लच्छे हैं ये जल जाएंगे। और अब हम यहाँ पर 1/4 कटोरी मूंगफलियाँ डालेंगे और इनको भी तल लेंगे। इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए तल लें। अब हम इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मूंगफलियों का कितना अच्छा कलर आया है। अब हम सबकी नमकीन तैयार करते हैं। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम सबसे पहले लच्छे डालेंगे और इसके बाद हम अपने पसंद के सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें किशमिश का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक डालते समय ध्यान रखें क्योंकि इसमें गुठलियाँ होती हैं। और हम सबको अच्छे से मिला लेंगे। हम इसमें सिर्फ 2 ही मसाले डालेंगे क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हमारी इस नमकीन बनकर तैयार है। आपने देखा ना ये कितनी जल्दी बन जाती है, काफ़ी हेल्थी और टेस्टी भी होती है। इस नवरात्रि इस रेसिपी को आप अपने घर पर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। आपको हमारी ये वीडियोज पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल आपकी फूडी किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।